आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे सर्कुलर ट्रैक पे अगर मोशन होता है तो मान लीजिए तीन पर्सन ए बी सी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं या ए और बी दो पर्सन मूव कर रहे हैं तो वो कहीं पे मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पे तो वो मिलने का टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम आपको एक पहले कंसेप्ट बताते हैं, ये सर्कुलर ट्रैक है कोई, ठीक है। अगर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ए बी और सी मान ली तीन लोग हैं, इस यहां से मोशन स्टार्ट करते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अपना मोशन कंप्लीट करते हैं। ये लोग मोशन स्टार्ट करते हैं तो ये दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो ये स्टार्टिंग टाइम पे मिले या फिर कहीं रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हम अलग अलग अपना आपको कंसेप्ट बताते हैं। स्टार्टिंग टाइम में मिलने का क्या मतलब होता है, यहीं से चला ए और ये आके कहीं मिला, उसी समय बी भी चला सी भी चला, सेम टाइम पे अपना मोशन ही लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम होगा जो लोग आके यहीं पे मिलेंगे ए पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रैक में भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो टाइम भी हम निकालेंगे कि फर्स्ट टाइम वो ट्रैक पे कहां मिलेंगे। तो हम पहला कंडीशन लगाते हैं मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मीटिंग एट स्टार्टिंग, ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन नंबर ए। स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग के लिए मैं आपको मान लीजिए कि तीन लोग हैं ए बी सी, उनका स्पीड जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मैंने ले लिया है और टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द ट्रैक इज टी ए टी बी एंड टी सी। तो इसको मैं आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, बाद में फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं जिससे आप एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि ये ट्रैक है, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ए है और बी है, ए को इस ट्रैक को पूरा करने में 30 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, ए को 30 सेकंड का टाइम लगता है और बी को इस ट्रैक को पूरा करने में 25 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से अपना मोशन एक साथ स्टार्ट करते हैं, वो कितनी समय के बाद ए बी सी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके दोबारा मिलते हैं। तो ए चलेगा 30 सेकंड में पूरा कर लेगा, तब तक बी कहीं यहां होगा, फिर ए आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कोई एक ऐसा टाइम होगा जो जो जिस टाइम पे दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो उसको हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ए जो है वो 30 सेकंड में एक फेरा कर लेता है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे अगली बार दोबारा कब आएगा वो 60 सेकंड में, फिर नेक्स्ट राउंड करने चला गया, फिर नेक्स्ट बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा वो 90 सेकंड में, ऐसे ऐसे चला जाएगा। बी जो है वो 25 सेकंड में पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 50 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 75 पे आएगा, ऐसे ऐसे बी अपना मोशन करता रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने सेकंड पे आता रहेगा। तो हम यहां से ये देख सकते हैं अगर ये 150वें सेकंड में बी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा फिर से, और बी के बारे में अगर हम देखें तो ये भी 150वें सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट में होगा, 25 50 75 100 125 150 30 60 90 120 150, ठीक है, 150वें सेकंड में दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में हैं। इसका मतलब 150वें सेकंड में दोनों पहली बार यहां मिलेंगे, तो 150 सेकंड कैसे आया, आप ए और बी का एलसीएम ही तो निकाल रहे हैं, इसका और इसका एलसीएम का ही तो ये कॉन्सेप्ट है। एलसीएम मतलब कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, एलसीएम इनका निकाल लीजिए, कितना टाइम वो ले रहे हैं एक बार अपना मोशन कंप्लीट करने में, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो वो फर्स्ट टाइम उस टाइम पे वहां मिलेंगे। अगर एक और आदमी होता, सी भी होता, जिसको 15 सेकंड लग रहा है, ठीक है, सी भी होता जिसको 15 सेकंड लग रहा है, तो सी का मूवमेंट हम कैसे करते, 15 सेकंड में पहली बार पूरा किया, फिर 30 सेकंड में, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते
वो भी 150 सेकंड में, मतलब 150वें सेकंड में वो भी यहीं पे होगा, तीनों एक साथ होंगे, मतलब एलसीएम ऑफ ऑल थ्री, तीनों का एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम है उसका एलसीएम निकाल लेंगे तो फर्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग टाइम में मिलेंगे। अब इसको हम आपको फॉर्मूला में बता देते हैं, ठीक है। मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम, अच्छा इसमें आपको चाहे तो सेम डायरेक्शन में जाइए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाइए फर्क नहीं पड़ता। तो आपका इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट है ए बी, ए एंड बी, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, और पहला कंडीशन है रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टी ए एंड टीबी। टीसी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो ही पर्सन का हम इसमें निकाल रहे हैं, तो एलसीएम ऑफ टी ए एंड टीबी। अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ एल बाई ए एंड एल बाई बी, यहां से हम देख सकते हैं ना टी ए इज इक्वल टू एल बाई ए, टी बी इज इक्वल टू एल बाई बी एंड टी सी इज इक्वल टू एल बाई सी, ये होगा ना, तो टाइम टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एल बाई ए एंड एल बाई बी। ये तो रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अब रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है तब भी आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों पॉइंट टाइम का एलसीएम निकालना है तब भी सेम फॉर्मूला होगा, एलसीएम ऑफ टी ए एंड टी बी और एलसीएम ऑफ एल बाई ए एंड एल बाई बी। ये तो दो लोगों का हो गया, अगर तीनों लोग रन कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तीन लोग किसी भी डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तीनों लोग किसी भी डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टी ए टी बी एंड टी सी, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम निकाल लिया, या अगर आपको टी ए टी बी नहीं दे रखा तो एलसीएम ऑफ एल बाई ए एल बाई बी एंड एल बाई सी, ठीक है। ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं वो ट्रैक में कहीं भी कैसे मिलेंगे। मान लीजिए तो स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रैक में, स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन ये ट्रैक में कहीं भी मिलते होंगे ना, तो तीनों एक साथ ट्रैक में तीन है या दो है वो कहीं पे भी कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूं अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ तो हमारा नेक्स्ट इसका सेगमेंट है मीटिंग एनी वेयर ऑन द ट्रैक। अभी तक तो मैंने हम लोगों ने क्या देखा था, ए और बी यहां से स्टार्ट करते हैं यहीं पे कब मिलेंगे, तो सिंपल आप एलसीएम निकालना होता है टाइम टेकन बाय ईच वन टू कंप्लीट द ट्रैक, तो सबको अलग अलग ट्रैक कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी का एलसीएम निकाल। लेकिन अगर वो ट्रैक में कहीं भी पूछ रहा है, कहीं भी का मतलब कि वो यहां भी मिल सकते हैं भाई, अगर ए और बी स्टार्ट करते हैं यहां से चलना, एक स्पीड कम है तो वो धीरे धीरे आता रहेगा और बी की स्पीड तेज है तो वो आता रहेगा, तो हो सकता है कहीं ट्रैक में भी हो कहीं मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इस सर्कुलर ट्रैक को ओपन कर दीजिए, क्या करेंगे इस सर्कुलर ट्रैक को ओपन कर दीजिए, समथिंग ऐसा आएगा, या हम लिख लें ये सीधा लीनियर ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ए और बी ये लीनियर ट्रैक हो गया, सर्कुलर ट्रैक को हमने ओपन कर दिया तो ये लीनियर ट्रैक हो गया, अब हमारे पास ये लीनियर ट्रैक है, ठीक है। यहां से अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इसका हम पहला सेगमेंट लेते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं
सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो क्या होगा, ए यहां से चल रहा है स्मॉल ए की स्पीड से, बी भी यहीं से चल रहा है स्मॉल बी की स्पीड से, ठीक है। तो उस इन दोनों को यहां तक जाना है और पूछ रहा है रास्ते में कहां मिलेंगे। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक एल है। अब आप रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए, ए की स्पीड स्मॉल ए है, बी की स्पीड स्मॉल बी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां से जो ए चल रहा है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां से ए चल रहा है यहां से बी चल रहा है, उनकी रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी, और वो कितना ट्रैक ट्रेवल कर रहे हैं एल लेंथ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी एल, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा मिलने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल अपॉन ए माइनस बी। अच्छा ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला आ गया। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मीटिंग एनीवेयर ऑन द ट्रैक एल अपॉन ए माइनस बी, लेकिन अगर आपको स्पीड नहीं दे रखी है टाइम दे रखा है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन टी ए, बी इज इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन टी बी, यहां पुट कर दीजिए तो टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन एल बाई टी ए माइनस एल बाई टी बी इज इक्वल टू, एल तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो टोटल क्या आ जाएगा टी ए टी बी अपॉन टी बी माइनस टी ए, ठीक है, टी ए टी बी अपॉन टी बी माइनस टी ए। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया, टी इज इक्वल टू टी ए टी बी अपॉन टी बी माइनस टी ए, ठीक है। तो ये उनका मीटिंग टाइम हो गया अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट में बताता हूं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो उनका मूवमेंट है तो वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है। ए यहां से चल, ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा जो बी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए स्पीड से आ रहा है, ये बी, अगर आप इसको लीनियर पार्ट में डालेंगे तो ए जो है ए स्पीड से इधर जा रहा है और बी यहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी बी स्पीड से इधर आ रहा है, तो पूछ रहा है ट्रैक में कहां मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो अगर वो रन कर रहे हैं रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा इस ट्रैक के लिए लेंथ क्या होगी, लेंथ एल होगी, स्पीड क्या होगी जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोले, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन तो ऐड हो जाएंगे ए प्लस बी होगी, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, मिलने का टाइम एल अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया एक फॉर्मूला आपका, टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन ए प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू अगर नहीं दे रही, हमें टाइम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए एल अपॉन एल बाई टी ए प्लस एल बाई टी बी, तो टाइम क्या निकल के आएगा, टी बी टी ए अपॉन टी बी प्लस टी ए, ये अगर टाइम दिया है तो उनके टर्म में निकल आएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है तो, ठीक है। अगर ये तो दो लोगों का बात हो गया, अब अगर तीन लोग हैं, मान लीजिए कि सर्कुलर ट्रैक में हमारे मोशन में तीन लोग हैं,
ए है, यहीं पे बी है और सी है, तीनों अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का पूछेगा तो आपको पता है एलसीएम निकालना, लेकिन ट्रैक पे कहीं भी मिलने का अगर पूछता है तो उसके लिए मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूं। तीन लोग हैं तो आप क्या कीजिए, तीन लोग हैं ए बी सी, आप किन्हीं भी दो लोगों का पेयर बना लीजिए, मान लीजिए हमने ए बी का बनाया और ए सी का बनाया, आप किसी भी दो का बना सकते हैं, ठीक है, ए बी और ए सी का मैंने पेयर बना लिया, अब ए एंड बी इनका मिलने का समय, मीटिंग टाइम क्या होगा, ए और बी के मिलने का टाइम क्या होगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो टाइम ऑफ हम ए एंड बी लिख देता हूं, एल अपॉन सेम डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड घट जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी, एल अपॉन ए माइनस बी, और ए एंड सी का मीटिंग टाइम क्या होगा, टी ए सी एल अपॉन, क्योंकि ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, ए प्लस सी हो गया। अब ए और बी का मीटिंग टाइम पता है आपको, ए और सी का मीटिंग टाइम, तो टोटल मीटिंग पॉइंट तीनों एक साथ मिलेंगे, मीटिंग टाइम ऑफ ऑल थ्री के लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ ए और बी एंड ए और सी, इस टाइम और इस टाइम का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का मीटिंग पॉइंट आपको पता चल जाएगा। तो ये तीन के केस में अगर उनका मीटिंग पॉइंट आप मीटिंग टाइम आपको कहीं कहीं भी पूछ रहा है पूरे ट्रैक पे तो उसके लिए ये आप कंसेप्ट लगाइए, दो दो का पेयर कर लीजिए ए और बी, ए और सी, आप बी और ए बी और सी भी कर सकते हैं, कोई भी दो पेयर कर लीजिए, उनका टाइम निकालिए, जो पुराना कंसेप्ट है दो लोग मूव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपोजिट में है या सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, वो निकाल के उनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये आपका अब मैं आपको ये सारे फॉर्मूले टेबल फॉर्मेट में बता देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना, वो टेबल में आपको बता के दिखाता हूँ। हाँ, ये आपका टेबल है, इससे आपको मेमोराइज करने में थोड़ा आसानी होगी, लेकिन मेमोराइज करते करते आप ये ध्यान रखिए कि कैसे ये फॉर्मूले आए, आपके दिमाग में चलने चाहिए, इससे आप समझ समझ के याद कीजिए। लेंथ ऑफ द ट्रैक एल है, स्पीड क्या है ए बी सी है, और तीनों पर्सन ए बी सी की स्पीड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल टी है, टाइम मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम तो आप लेंथ अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल देते हैं। तो हमारी दो कंडीशन है, फर्स्ट टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होता है, फर्स्ट टाइम मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, और मीटिंग एनी वेयर ऑन द ट्रैक, ये मैंने आपको दोनों समझाया है। स्टार्टिंग टाइम में मीट जब करते हैं तो अगर सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर स्टार्टिंग टाइम का बात है तो उनका एलसीएम ले लीजिए टाइम का, तीन लोग हैं तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो सबसे आसान है, मीटिंग एज स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए एलसीएम लेना है, लेकिन मीटिंग एनी वेयर ऑन द ट्रैक है तो अगर वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो आपको ये एल अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा टाइम मिलने का, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका टाइम क्या होगा, एल अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड एल अपॉन ए प्लस रिलेटिव स्पीड आपकी ए प्लस बी हो जाएगी। लेकिन ए बी सी रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तीन लोग हैं, मैंने जो पिछला आपको समझाया था उसमें सी जो है अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया था, यहाँ पे ध्यान रखिए अगर रनिंग इन सेम डायरेक्शन बोलो तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा, अगर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करेंगे। ए बी सी रनिंग इन सेम डायरेक्शन तो आपको एलसीएम लेना है पेयर बना के, ए और बी का पेयर बनाया सेम डायरेक्शन रन कर रहे हैं तो ए माइनस बी रिलेटिव स्पीड हुई, टाइम लगा एल अपॉन ए माइनस बी, पहली चीज ये हो गई। फिर ए और सी भी सेम डायरेक्शन में रन करें इसलिए एल अपॉन ए माइनस सी आ जाएगा, तो
ये दूसरी टाइम हुई दोनों का एलसीएम, वहां पे सी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था तो ये रिलेटिव स्पीड आपको ए प्लस सी मैंने बताया था, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसलिए इसको याद करने के पहले आपको डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। आपको पता है पेयर बना के उनका टाइम का एलसीएम निकालना है, लेकिन ये डायरेक्शन आपको देखना होगा। और अगर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी हो गया, ये भी सेम सेम है तो ए प्लस बी, लेकिन इसमें से कोई भी एक अपोजिट होगा तो पेयर तो आप बनाएंगे लेकिन उसमें रिलेटिव स्पीड लिखना आप ना भूलिए कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक खत्म हो गया। तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस के मैंने लगभग सारे सेगमेंट इसमें कवर कर दिए हैं। अब हम आप लोग इसके मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।